श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने जबरदस्त अंदाज में मुकाबले को जीत लिया। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2019 के 39वें मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 339 रनों का लक्ष्य दिया। श्रीलंका ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 338 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे कुशल परेरा ने 51 बॉलों का सामना करते हुए 8 चौकों की मदद से 64 रन बनाए, तो वहीं उनका साथ दे रहे विस्फोटक बल्लेबाज फेर्नांडो ने चौकों छक्कों की बरसात करते हुए 103 बॉलों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 104 रन बनाए। अब बल्लेबाजी करने आए कुसल मेंडिस ने 4 चौकों की मदद से 39 रन बनाए, तो वहीं लाहिरू ने 33 बॉलों का सामना करते हुए 4 चौकों की मदद से 45 रन बनाए और अपनी टीम का स्कोर 338 रन तक पहुंचाया। 339 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम लसित मलिंगा की कसी हुई गेंदबाजी के आगे 315 रन ही बना सकी। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से कुल 35 रन बनाए, तो वहीं सिमरन हेटमायर 2 चौकों की मदद से 29 रन बनाए। अब वेस्टइंडीज की तरफ से बल्लेबाजी करने आए पूरन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 103 बॉलों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 11 चौके और 4 आग उगलते छक्कों की मदद से 118 रन बनाए। तो वहीं फेबियन एलन ने 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 51 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके और वेस्टइंडीज ये मुकाबला 23 रन से हार गया। आपको श्रीलंका की जीत और पूरन या फेर्नांडो में से कौन से बल्लेबाज की बल्लेबाजी ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें।